पटना से बड़ी खबर आ रही है। कई बैंकों के एटीएम का रुपया गायब पाया गया है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गायब है। दीघा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। पैसा जमा करने वाली कंपनी के कर्मचारियों पर शक जताया गया है। बड़ी खबर, 2 करोड़ से ज्यादा की रकम गायब पाई गई है। बिहार में पटना में कई बैंकों के एटीएम से रुपया गायब पाया गया है, जिसके खिलाफ दीघा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जेबीडीए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 2 करोड़ की रकम गायब हुई है, रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अमित से। हम एक बार फिर आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए की रकम गायब पाई गई है। दीघा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिहार के कई एटीएम का रुपया गायब पाया गया है। पटना से बड़ी खबर आ रही है, कई बैंकों के एटीएम का रुपया गायब पाया गया। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। अमित, क्या कुछ रिपोर्ट लिखाई गई है? अमित, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? बिल्कुल राहुल, सवाल दो रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे, एटीएम का रुपया गायब पाया गया, 2 करोड़ से ज्यादा की रकम गायब है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसमें? देखिए, इस मामले में दीघा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया, जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई है और पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। संबंधित जो कंपनी है जो बैंक एटीएम में पैसे जमा करती है, उनके जो अधिकारी है उनसे भी पूछताछ की है पुलिस ने और आगे की जो कार्रवाई है वो काफी तेज चल रही है, क्योंकि पैसा अधिक है, 2 करोड़ रुपए से अधिक का मामला है और कहीं ना कहीं गबन हो सकता है ये पैसा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पटना पुलिस है वो तेज गति से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए अमित आपका। पटना पुलिस काम कर रही है, पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 करोड़ रुपए की रकम कहां गायब हुई है, इसकी तहकीकात जारी है।